तो आज हमारे पास है हॉपअप की तरफ से आने वाले उनके लेटेस्ट TWS हॉपअप ग्रैंड प्रो। इससे पहले हॉपअप ग्रैंड भी लॉन्च हो चुके हैं और ये इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है। वैसे प्रीवियस हॉपअप ग्रैंड 1200mAh की केस, 75 आवर्स की बैटरी लाइफ और IPX4 की रेटिंग के साथ आते थे, बट अभी ग्रैंड प्रो में आपको 1800mAh की केस, 200 आवर्स की इंसेन बैटरी लाइफ और 40 ms की लो लेटेंसी मिलती है। तो यहाँ पर हमें मेजर अपग्रेड देखने को मिलता है। इसकी सबसे यूनिक बात है कि आप इसे एज अ पावर बैंक की तरह यूज कर सकते हो, जिसे इमरजेंसी में आप अपने स्मार्ट वॉच और मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। वैसे हॉपअप एक इंडियन ब्रांड है और पिछले कुछ महीनों से इंडिया में अच्छे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इनके सारे ऑफर्स देखने को मिलते हैं, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इसे ही डिटेल में रिव्यू करेंगे। हमेशा की तरह इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से मैं आपको इसकी एग्जैक्ट ऑडियो क्वालिटी सुनाऊंगा, उसी के साथ इसकी माइक क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस और सभी फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो यह है इसका बॉक्स। फ्रंट की तरफ आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर 200 आवर्स का प्लेबैक टाइम और बॉक्स के दोनों ही साइड में आपको इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें हम आगे डिटेल में चेक करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलती है इसकी केस, उसके बाद एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स, वारंटी कार्ड और इसका यूजर मैनुअल। ये सारा बॉक्स कंटेंट हमें इसके साथ मिलता है। अब बात करते हैं इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे काफी यूनिक लगे, हाथ में पकड़ने पर काफी बड़े और स्टडी फील होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको 1800mAh की बैटरी मिलेगी। सो मार्केट से कुछ हटकर इसका डिजाइन है जो मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव लगा। यहाँ पर आपको हॉपअप की ब्रांडिंग मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक LED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें केस की बैटरी परसेंटेज और लेफ्ट और राइट ईयरबड्स की बैटरी को भी यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा पीछे की साइड में आपको एक USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक 2.0 आउटपुट पोर्ट मिलेगा, जिससे आप किसी भी डिवाइस को चार्ज करके एज अ पावर बैंक की तरह यूज कर सकते हो। तो इसका यही फीचर मुझे सबसे बेस्ट लगा। अगर बात करें ईयरबड्स की, तो ये फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं। इसमें पियानो ब्लैक फिनिश और यहाँ पर हॉपअप की ब्रांडिंग मिलेगी। इसके अलावा इसके रबर के टिप्स मुझे काफी स्मूथ लगे। ये कानों में सिक्योरली फिट हो जाते हैं, जिन्हें पहनकर आप जिम और रनिंग वगैरह कर सकते हैं। उसी के साथ IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलेगी, तो नॉर्मल बारिश वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बार इसके सभी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो ये आते हैं 10mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, ऑटो पेयरिंग, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, वॉइस असिस्टेंट, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 40 ms लो लेटेंसी, टच कंट्रोल्स, डिस्प्ले यूनिट और इमरजेंसी पावर बैंक फीचर के साथ। इसके अलावा इसमें 1800mAh की केस मिलती है, जिसमें लगभग 200 आवर की इंसेंट बैटरी बैकअप मिलेगी, जो और कोई भी TWS आपको ऑफर नहीं करता। इसके अलावा 50mAh की बैटरी आपको ईयरबड्स में मिलती है, तो सिंगल चार्ज में आप उन्हें 10 घंटे तक इजीली यूज कर सकते हो। सो अब एक बार इसकी माइक क्वालिटी को भी टेस्ट करते हैं। तो मैं इसे मेरे फोन के माइक्रोफोन से कंपेयर करके दिखाऊंगा, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो मेरे फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज इसमें आती है। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो हॉपअप ग्रैंड प्रो के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, सेम मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज रिड्यूस करता है। अभी आपने इसकी माइक क्वालिटी को सुन लिया है, तो ओवरऑल इसकी माइक क्वालिटी मुझे काफी डिसेंट लगी। इसका AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर परफेक्टली वर्क करता है, लगभग 80% तक बैकग्राउंड नॉइस को ये रिड्यूस कर देगा, तो इंडोर्स और आउटडोर्स में कॉलिंग के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो इसने 40 ms की लेटेंसी को क्लेम किया है, तो क्या एक्चुअल में आपको उतनी लेटेंसी मिलती है? तो चलिए चेक करते हैं। तो अभी अपने इसकी लेटेंसी और गेमिंग परफॉर्मेंस को भी देख लिया है। जितनी लेटेंसी इसमें क्लेम की गई है, लगभग उतनी ही लेटेंसी आपको इसमें मिलेगी। इसका साउंड सेपरेशन भी मुझे काफी बढ़िया लगा, तो गेमिंग के लिए आप इन्हें नो डाउट कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। तो इस स्टीरियो माइक्रोफोन से मैं आपको इसकी एग्जैक्ट ऑडियो क्वालिटी सुनाऊंगा, जिससे आपको इसकी साउंड क्वालिटी का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम वोकल्स को टेस्ट करेंगे, उसके बाद बेस को भी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। The universe and I was revolving like a sun on my own. तो आपने इसके वोकल्स और बेस दोनों को ही सुन लिया है। पर्सनली मुझे इसकी साउंड क्वालिटी काफी डिसेंट लगी,
इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर वोकल्स सुनाई देंगे। इसके अलावा बेस भी सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स के साथ सुनने को मिलता है। फुल वॉल्यूम पर भी साउंड डिस्टॉर्शन नहीं होती, तो अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तो इसमें आपको ओवरऑल बैलेंस ऑडियो आउटपुट मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड रहेंगे तो जो लोग बड़ी बैटरी, डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस और बेस्ट ऑडियो क्वालिटी वाला TWS चाहते हैं वो लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको एक इमरजेंसी पावर बैंक वाला फीचर भी मिलता है, तो एक ऑलराउंड पैकेज आपको ये ऑफर करता है। सो आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या हो सकती है, 2,500 या फिर उससे भी कम? सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसके लॉन्चिंग ऑफर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे लेटेस्ट HowPub Grand Pro। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।